में गोल टोपी का एक डिजाइन लेकर आई हूँ ये जेंट्स लेडीज बेबी के लिए बना सकते हैं पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है ये मैं पहनकर आपको दिखा रही हूँ आप भी जरूर ट्राई करिए इसमें मेरा 82 फंदे है और मैं इसमें वन बाई वन का रिप डिजाइन बना रही हूँ एक सीधी एक उल्टी बिनकर अब देखिए सलाई में इसमें नाइन नंबर का यूज कर रही हूँ धागा ये डबल करके ले रही हूँ अब देखिए ये मैं बॉर्डर साढ़े एक इंच का बना रही हूँ अब देखिए इसका ऊपर पैटर्न शुरू करना है ये एक फंदा सिलने के लिए है लास्ट में हम इसको सिलकर जोड़ाई करेंगे अब देखिए इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है पैटर्न आपको तीन फंदे उल्टी बिन्ने हैं देखिए एक दो तीन इस तरीके से बनानी है तीन फंदे उल्टी धागे पीछे अब देखिए एक फंदे सीधी चार धागा आपने और इस तरीके से जाली बनानी है और एक फंदे सीधी इस तरीके से ये पांच फंदे का डिजाइन है बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है देखिए तीन फंदे उल्टी एक फंदे सीधी एक जाली बनानी है फिर एक सीधी इस तरीके से पांच फंदे का डिजाइन बनानी है देखिए धागा आपने और तीन फंदे उल्टी एक दो तीन अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और एक फंदे सीधी बिन्ने हैं फिर धागा आपनी ओर लेकर आना है और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से बॉर्डर बनानी है और बॉर्डर बनाने के बाद इस तरीके से डिजाइन डालनी है ये धागा मैं डबल करके ले रही हूँ इसलिए ये लगभग बड़ा साइज का आ रहा है मतलब मेरा साइज का ये आ रहा है इस तरीके से आप किसी भी साइज का थ्री पलाई का धागा और दस नंबर का सलाई लेकर भी आप बना सकते हैं मतलब आप बाकी का गोल टोपी में जितनी फंदे लेकर बनाएंगे उतनी फंदे लेकर बना सकते हैं पर ये आपको फाइव की मल्टीपल का हिसाब से बनानी है देखिए एक सीधी बिनने के बाद धागा आपने और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी लास्ट में एक फंदे रहता है ये आपको सीधी बिना ही बीन है देखिये ये लास्ट में एक सिलने के लिए है अब इसकी दूसरी साइड मतलब इसकी उल्टी साइड से हम सारी उल्टी बिनाई बीनेंगे फंदा बिना बिना और बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई मैं सारी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनती हूँ भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये सलाई पूरी करिएगा मैं ये सलाई पूरी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा इसकी रंग साइड मतलब उल्टी साइड से अब फर्स्ट फंदा बिना बिना अब इधर से आपको फिर पैटर्न रिपीट करनी है तीन फंदे उल्टी एक दो तीन. इस तरीके से बनानी है तीन फंदे उल्टी बिनने के बाद इधर एक फंदे सीधी है इसको आपको सीधी बिने मिलने हैं अब देखिए इधर जाली वाला फंदा आता है आपको धागा अपनी ओर लेकर आना है और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से बनानी है और ये सीधी वाली फंदे भी सीधी इस तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है मतलब जाली का अगली तरफ आपको जाली डालना है अब देखिए धागा अपनी ओर तीन फंदे उल्टी बिना एक दो तीन धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई अब जाली वाला फंदा आता है इसमें आपको अपनी ओर लेकर आना है और फिर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी बिनने हैं अब देखिए सीधी वाला फंदा आता है इसमें आपको सीधी बिनाई बिनने हैं इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है तीन फंदे उल्टी बिनाई एक दो तीन तागे पीछे एक फंदे सीधी तागा अपनी ओर अब जाली वाला फंदा जाली बनाते हुए सीधी और सीधी वाली फंदे भी सीधी इस तरीके से बनाते अब देखिए मैं इस तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ एक फंदे सीधी धागा अपनी और जाली वाला का अगली तरफ एक जाली और फिर एक सीधी फंदे आपको सीधी भी नहीं बेनने हैं और लास्ट का एक फंदे सीधी अब देखिए ये सीधी सलाई पूरी करने के बाद उल्टी सलाई फस फंदा बिना बिना बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई देखिए इस तरीके से बनानी है मतलब ये टोपी पूरी ना होने तक हम इसका बैक साइड से हम उल्टी बिनाई बिनेंगे और सीधी साइड से हम डिजाइन डालते हुए बिनेंगे अब देखिए इस तरीके से लास्ट में आ रही हो लास्ट का फंदे उल्टी बिनाई अब इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर तीन फंदे उल्टी बिनाई एक दो तीन इस तरीके से बनानी है धागा पीछे एक फंदे सीधी बिनाई अब देखिए जाली वाला का ऊपर फिर आपको जाली बनानी है देखिए इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए जाना है जितनी जाली बढ़ेगा उतनी फंदे आपका बढ़ता जाता है इसी तरीके से दो जाली बना चुके हैं और दो फंदे भी बढ़ चुका है इसी तरीके से जाली का अगले साइड आपको इस तरीके से जाली डालते हुए सीधी बनानी है और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है इस तरीके से इसका ऊपर आप दस बारह चौदह जाली तक डाल सकते हैं साइज का हिसाब से किन साइज के लिए किस तरीके से कितनी जाली डालनी है ये फिर आपको मैं बाद में बताऊंगी जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ बाकी में भी तीन फंदे उल्टी एक फंदे सीधी एक जाली और फिर बाकी का सीधी सीधी इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए बनानी है अब फिर देखिए धागा आपने और तीन फंदे उल्टी बिनाई एक दो तीन धागे पीछे एक फंदे सीधी जाली वाला फंदा का अगली तरफ जाली देखिए धागा आपने और जाली डालते हुए एक फंदे सीधी बाकी का सारी सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बनानी है मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ अब देखिए फंदे काफी सारा बढ़ चुका है फर्स्ट फंदा बिना बिना अब देखिए इधर से आपको तीन फंदे उल्टी बिना बिनने एक दो तीन तीन फंदे उल्टी बिनाई देखिए धागा अपनी ओर है धागे पीछे लेकर जाना है सीधी फंदे आपको सीधी बिनाई बीन हैं। देखिए। अब देखिए धागा अपनी ओर जाली डालते हुए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए ग्यारह फंदे हो चुका है मतलब एक फंदे हमारा ऑलरेडी थे बाकी का दस जाली डालने से दस फंदे बढ़ चुका है देखिए जाली गिनते हैं कितनी जाली है इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस मतलब एक जाली का एक फंदे इस तरीके से इधर हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह फंदे है तो इसमें हम एक फंदे एक्स्ट्रा लेकर बनाए थे इस तरीके से आपको बनानी है मतलब ये वाला फंदा एक्स्ट्रा वाला है अब देखिए गिनते हैं ये इधर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस फंदे और ये एक्स्ट्रा वाला है अब देखिए इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है फिर तीन फंदे उल्टी एक दो तीन धागे पीछे एक फंदे सीधी हम शुरू से इसी बात को रिपीट करते हुए आ रहे हैं देखिए जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से साइज का हिसाब से आप बारह चौदह जाली तक डाल सकते हैं पर मैं इसमें सिर्फ दस जाली डालकर बना रही हूँ मतलब इसमें लेंथ आप कितनी बनाना चाहते हैं उसमें डिपेंड करता है कि आपको जाली कितनी डालनी है मतलब साइज का हिसाब से जाली कम बेसी गरा सकते हैं अब देखिए इसका मैं नाप कर भी मेजरमेंट लेने के तरीके बताऊंगी अब देखिए इसका लेंथ आ रहा साढ़े तीन इंच का आ रहा है अब इसका ऊपर घटाई करेंगे तो ये सात इंच का होता है मतलब जितनी हम जाली डालकर बिनेंगे उसका डबल इसका ऊपर घटाई में आता है ये सात इंच का होता है ये बनने के बाद सात इंच का मतलब ये बेबी का साइज का बनेगा अगर आप इतनी जाली डालकर बनाएंगे तो दस जाली में दो जाली प्लस करेंगे तो ये हरारी साढ़े सात इंच आठ इंच तक का लंबा आता है ये आप सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेकर बना सकते हैं ये मैं पांच की मल्टीपल का हिसाब से बॉर्डर बना रही हूँ इसकी जगह सात की मल्टीपल का हिसाब से लेकर दो फंदे एक्स्ट्रा लेकर बना सकते हैं मतलब ये तीन फंदे के जगह आप पांच फंदे उल्टी दो फंदे सीधी इस तरीके से बना सकते हैं पाँच फंदे उल्टी एक फंदे सीधी एक जाली एक फंदे सीधी इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आप किसी भी साइज में बना सकते हैं उम्मीद करती हूँ आप किसी भी साइज में बनाएंगे अगर आप बनाने के बाद ये टॉपिक किस तरह का नजर आए और पहनने के बाद किस तरह का नजर आए ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और बनाने में कुछ समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हाँ। अब देखिए इसमें मैं छोटी सलाई ले रही थी इसलिए फंदे अटाने में थोड़ी मुश्किल हो रहा है इसलिए मैं कम जाली डाल रही हूँ इसमें आप आपका साइज का हिसाब से जाली कम बेसी कराइएगा अब देखिए मैं इधर से थोड़ी चेंज करके बिनती हूँ ध्यान से देखिएगा एक दो तीन तीन फंदे उल्टी बिनाई अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है अब देखिए ये जो हम सीधी बनाए थे फंदे ये वाला आपको पलटनी है देखिए पलटनी इस तरीके से है और फिर बैक साइड से इस तरीके से लेना है और फिर दो फंदे एक साथ दो का एक बनानी है देखिए इस तरीके से आपको बीनने हैं अब देखिए बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बीनेंगे मैं सारी सीधी सीधी बीनती हूँ इधर हमारा टोटल एक फंदे घटने के बाद टेन फंदे बाकी हैं टेन फंदे हम सारी सीधी सीधी बिनेंगे साइज का हिसाब से फंदे कम बेसी हो सकता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ आप आपका साइज का हिसाब से फंदे बढ़ाइएगा मतलब जाली बढ़ाइएगा अब देखिए इतनी बीनने के बाद अब फिर इसी बात को आपको दूसरी में भी रिपीट करनी है मतलब फिर दूसरी में भी आपको इसी तरीके से घटाई करनी है तीन फंदे उल्टी का है तो हम उल्टी बीनेंगे अब देखिए तीन फंदे उल्टी बीनने के बाद ये फंदे इस तरीके से पलटनी है और बैक साइड से कांटी डालकर दो फंदे एक साथ बनानी है देखिए इस तरीके से अब देखिए बाकी आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं यह आपको जाली जितनी आवश्यक है उतनी डालने के बाद इस तरीके से घटाई कर सकते हैं अब फिर देखिए ये वाला फंदा इस तरीके से पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर देखिए इस तरीके से बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे एक साथ दो का एक बनानी है और बाकी का फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए अब इसी तरीके से मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी आपको सीधी बिना बेनने हैं मतलब हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं अब देखें इसकी बैक साइड से आपको बीनने हैं फर्स्ट फंदा बिना बिना बाकी का फंदे सारी उल्टी बिनाई मतलब हम शुरू से अभी तक सारी उल्टी बीन कर बना रहे हैं ये टोपी बनाना बहुत ही ईजी है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर मैं बना रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना तीन फंदे उल्टी बिना एक दो तीन अब देखिए इधर फिर मैं घटाई में आ रही हूँ ये सीधी फंदे आपको पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे एक साथ दो एक बनानी है देखिए इस तरीके से अब बाकी का फंदे सीधी सीधी देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनेंगे मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ इसका ऊपर आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा अब देखिए ये सारी सीधी सीधी बिनने के बाद ये इस तरीके से बनकर आता है ये इस तरीके से जा रहा है आप सब सब नज़र आ रहा है और ये घटाई दो तरीके से कर सकते हैं दूसरी तरीके फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वो तरीके बहुत ही इजी है अब देखिए धागा आपनी ओर तीन फंदे उठते बिना एक दो तीन देखिए इस तरीके से धागे पीछे अब फिर इधर घटाई करनी है घटाई हम सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम पहली बार कर रहे थे उसी बात को रिपीट करनी है एक फंदे रहने तक मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाई करती हूँ अब देखिए ये घटाई करते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ ये इस तरीके से आ रहा है लास्ट में एक फंदे बाकी है अब देखिए इसमें हम फिर बिनेंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना लास्ट में एक फंदे रहने के बाद बाकी का उल्टी फंदे भी आपको सीधी सीधी बेनने हैं मतलब इस तरीके से सीधी सीधी एक दो अरे तीन इस तरीके से बनानी है अब देखिए इधर घटाई में फिर ये फंदे बिना बिना पीछे वाला फंदा बेनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा नहीं है इस तरीके से भी आप घटाई कर सकते हैं मैं आपको बता रही थी में दो तरीके बताऊंगी आपको ये एक तरीके हैं अब देखिए बाकी का सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है अब देखिए फिर मैं घटाई में आ रही हूँ फिर घटाने का तरीका दिखा रही ये दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिन्ना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है देखिए इस तरीके से कटाई करेंगे ये आप ये जाली डालने के बाद इस तरीके से कटाई करते हुए भी बना सकते हैं मतलब तरीका फर्क है डिजाइन सेम बनकर आता है आपको जो पर्सन है उसी तरीके से आप कटाई कर सकते हैं मुझे ये तरीका बहुत ही आसान लगता है मैं काफी सारा भेड़ियों में भी इस तरीके से कटाई करके हुए आपको दिखा रही हूँ अब देखिए ये दूसरी कैट में लेकर जाना है पीछे वाला फंदा बेन है और ये फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है अब बाकी का फंदे सारी सीधी सीधी अब देखिए फिर ये बिना बिना पीछे वाला फंदा बेन है और ये फंदे इसी के ऊपर से गिरा देना है लास्ट में एक फंदे आपको सीधी बिना बिनने हैं देखिए इस तरीके से बनानी है बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है ये टोपी बनाना आप जरूर ट्राई करिएगा बहुत ही ईजी है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है और पहनने के बाद तो सब लोग कहेंगे आ आ आ, आ। इसलिए ये टोपी का डिजाइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आप भी जरूर ट्राई करिए दोस्तों शेयर करना मत भूलिए मैं काफी सारा बना भी चुकी हूँ काफ़ी सारा लड़के के लिए मैं गिफ्ट भी कर चुकी हूँ इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट पाने के लिए हमारा दीपा पेंटिंग चैनल जरूर विजिट करिएगा और सारी की ये टोपी बनाने के लिए फोर्स करिएगा अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे सीधी बिनाई दो फंदे सीधी का है यह आपको सीधी बिनाई बिनना है देखिए इस तरीके से सीधी बिना बिनने हैं दो फंदे दो एक करते हुए अब देखिए फिर इधर हम डिजाइन बनाएंगे ये फंदा बिना बिना पीछे वाला फंदा बिनने है और ये फंदा इसी के ऊपर से गिरा देना अब फिर देखिए दो फंदे दो कायक इस तरीके से बनानी है अब फिर देखिए ये फंदे बिना बिना पीछे वाला फंदा बिन्ने और ये फंदे इसी के ऊपर से गिरा देना है अब ये दो फंदे फिर दो एक इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है मैं इसी तरीके से बनाती हूँ अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ दो फंदे दो का एक देखिए इस तरीके से अब ये डिजाइन का फंदा दूसरी काट में पीछे वाला फंदा बीनना है और ये फंदे इसी के ऊपर से गिरा देना है अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है डिजाइन अब इसका ऊपर फंदे बंद करनी है अब देखिए मैं धागा में सुई लगा रही हूँ धागा कट करने के बाद अब सारी फंदे में एक एक करते हुए इस तरीके से चढ़ाऊँगी आपको भी इसी तरीके से सारी फंदे सुई में चढ़ानी है मतलब इसका ऊपर हम अब सारी फंदे बंद करके गांठ लगा रहे हैं इसलिए इस तरीके से बनानी है अब देखिए ये मैं सारी में फिर एक बार इस तरीके से सुई डालूंगी मतलब ये पक्के करने के लिए मैं दो बार सिर रही हूँ इसका ऊपर सारी फंदे फिर एक करते हुए इस तरीके से सिल लूंगी इस तरीके से दो बार सिलने से ये मजबूत हो जाता है इसलिए आपको इस तरीके से सिलना है एक दो बार साड़ी में हम इसी तरीके से सिल लेंगे अब देखिए मैं इस तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ अब देखिए मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ अब देखिए इधर इस तरीके से आपको टाइट गांठ लगानी है और गांठ लगाने के बाद इसका ऊपर सिल सकते हैं ये होल नाराणी के लिए देखिए इसको आपको बैक साइड में इस तरीके से पलटनी है और ये ऊपर का जो होल है ये में एक दो बार सिलना है और ये इससे भी आपको सिलना है जिस तरीके से हम ये सिलने के बाद इस तरीके से गांठ लगाएंगे ऊपर का हिस्से में और फिर इसी धागे से ये वाला हिस्सा सिलना है सारी हम इसी तरीके से सिलेंगे मतलब आपको दोनों साइड का ये बैक वाला फंदे लेकर सिलना है जिसकी वजह से पत्ते वाला डिजाइन इसका आगे की तरफ जाए इसलिए आपको इस तरीके से सिलना है अब देखिए मैं इस तरीके से सिलते हुए लास्ट में आ रही हूं इधर भी हम एक दो बार सिलने के बाद गांठ लगाएंगे देखिए इस तरीके से सिलना है और फिर गांठ लगानी है अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है अब देखिए ये टोपी इसका नीचे का साइड से और ये ऊपर के साइड से ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है ये मैं पहन कर भी आपको दिखाऊंगी देखिए ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का नजर आता है और ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं धन